पर वो बिकने नहीं वाला है मोदी जी एक सेक्टर के बारे में बोलेगे नेक्स्ट डे ऑल द स्टॉक्स आर अप इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर द गवर्नमेंट इज गिविंग मोस्ट भाव टू दिस ऑपरचुनिटी दैट इंडिया प्रेजेंट्स राइट नाउ वी विल नॉट गेट टू सी दैट इन आवर लाइफ टाइम अगेन नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी पर दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है स्टडी आई पर हम यू के कोर्स के कारण जाने जाते हैं मतलब कि अगर आप हर साल देखोगे जो यू का रिजल्ट आता है हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं और यू हमारा फोटे रहा है हमेशा से लेकिन जैसा कि हम सबको पता है देश के अंदर एक बड़ी आबादी है और हमेशा हम क्या बात करते हैं कि अगर हमें इस पॉपुलेशन को सही दिशा दिखाना है तो उनको स्किल देना पड़ेगा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे देश के अंदर वो है स्किल नहीं है उनके पास तो दैट्स वाई स्टडी आई क्यू ने सोचा कि यूपीएससी के साथ साथ हम यहाँ पर स्किल बेस्ड कोर्स आप सबके लिए लेकर आएंगे और जैसे कि आज के डेट में अगर हम बात करें ए की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ए के बारे में नहीं जानते कैसे यूज़ करना है तो उसका कोर्स आया है सेम उसी प्रकार से आज के डेट में स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां पर आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं एंड दैट्स वाई स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके माध्यम से आप उस पैसे को ग्रो कर पाएं ये वाला वीडियो हमारा मेन मकसद होने वाला है कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाने कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो हम थोड़ा समझेंगे एंड इसके लिए जो स्टडी आई क्यू प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे आप सबको वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं सो वेलकम अली आजार सर वेलकम टू स्टडी सो मच सर थैंक यू सो मच प्लेजर टू बी ऑन बोर्ड ओके सो आई थिंक काफी लंबे समय से कोशिश था हमारा कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप कभी इधर आए गुड़गांव तो हम बातचीत करें एंड फाइनली वो मौका आ गया है जी एंड सो uh, so, सबसे पहले सर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसको आप बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो सर बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ बॉर्न एंड अप ओवर देयर अभी दो साल पहले ही एंड आई वाज़ ऑलवेज इनटू स्टॉक मार्केट्स मैं एक्चुअली काफ़ी बाय नाइनटीन इयर्स ओल्ड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग स्टार्टेड विद ट्रेडिंग फिर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मैं uh, दो साल पहला बैंगलोर शिफ्ट हुआ ओके okay. एंड जब मैं शिफ्ट हुआ देन आई बिकेम अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर इन टू स्पेशलाइजिंग इन स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टिंग तो मेरा बैकग्राउंड भी है कॉमर्स का बैकग्राउंड है आई डिट माई सी ए कोर्स एंड आई एम ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड आर ए आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट एंड द थिंग इज जो अभी का स्टॉक मार्केट है 2024 का स्टॉक मार्केट वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ऑफ इवन द टू एंड इवन द नाइनटीज एंड ऑल दैट तो वन नीड्स टू स्टे अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड द लेटेस्ट टूल्स यू हैव तो मैंने काफी सारा कोशिश किया जो टू टू स्टे अपडेटेड एंड एक्चुअली सम ऑफ द ओल्ड पीपल ऑल्सो आर बिकमिंग स्लाइटली इेलिवेंट सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि uh, कितना जरूरी है स्टॉक मार्केट क्योंकि पहले का अगर आप देखोगे ना पहले जो सोच थी फैमिलीज में तो किसी को पेरेंट्स को आप बताओगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो वो डर जाते थे पेरेंट्स भाई ये तो पैसा खत्म कर देगा बर्बाद कर देगा आप क्या सोचते हैं आज के डेट में इस चीज को लेकर तो एक्चुअली एक आर का रिपोर्ट निकला था दिस वॉज आई थिंक टू और थ्री ईयर्स अगो ये डेटा वॉज फ्रॉम टू और थ्री ईयर्स अगो इट सेड के नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ सेविंग्स इन इंडिया आर इन फिजिकल एसेट्स फिजिकल एसेट्स माने गोल्ड रियल एस्टेट एफ डीज और सिर्फ पांच परसेंट है इन फाइनेंशियल एसेट्स सो दैट इन इंडिया दिस इज द सिचुएशन इन इन इंडिया मैम दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड सिचुएशन आप अगर वर्ल्ड में देखोगे तो फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोग यू एस में दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड वी आर सो लेस एंड वॉट 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 वी डू विदर से कैश पुट इट अंडर इज पुट इट अंडर और पुट इट इन दू नो इन द सेफ विच इज एक्चुअली इन सम केसेज डज नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन बिकॉज इंडिया में क्या होता है इन्फ्लेशन सिंस इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा होता है आप अगर इंडिया का इन्फ्लेशन देखोगे तो फोर फाइव परसेंट है ऑन एवरेज यूएस का इन्फ्लेशन देखोगे तो सिर्फ टू टू परसेंट है एवरेज बिकॉज दे आर अ डेवेलप्ड कंट्री राइट फॉर अस टू बीट इन्फ्लेशन अंसिस्टेंट वे इज द स्टॉक मार्केट इट इज वेरी नेसेसरी और अभी वो अवेयरनेस आ रहा है सो दैट इज अ वेरी आई थिंक जो कोविड के बाद जो बूम आयाल मीन जिस तरीके से आईव सीन लाइक कोविड में घर में लोग बैठे हुए थे करेक्ट क्या करना है बुल मार्केट का यही खासियत है कि वेन एवर देर इज अ बुल मार्केट तो लॉट ऑफ पीपल कम इन टू द मार्केट एट दैट टाइम सो लॉट ऑफ इन्फ्लक्स इज हैिंग और जस्ट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ ऑल द अवेयरनेस सो लॉट ऑफ मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द बुल मार्केट अगर आप देख, देखोगे तो आफ्टर कोविड द बुल मार्केट है काफी सारे लोग आए देन अ पॉज इन द मार्केट फॉर वन एंड हाफ ईयर फिर वन एंड हाफ ईयर के बाद अभी सिंस वन ईयर अगेन देर इज अ बिग बुल मार्केट एंड लॉट ऑफ मोर पीपल आर कमिंग इन एंड और अगर वो जो एक बार अंदर आए स्टॉक मार्केट का देन वी सी अ ट्रेंड के वो वापस जाते नहीं है दे डोंट गो अगेन टू गोल्ड एंड टू एफ डी एंड टू ऑल आपको यहां मिलेगा कहा मतलब हाउ के आई मीन रिस्क भी है बट बट ओवर लॉन्ग टर्म इफ यू डू इट करेक्ट एंड पीपल दे एक्चुअली सी दियर रिटर्न देन देक जो जो सिटीजन्स हैं हमारे नागरिक हैं आई थिंक उनको भी थोड़ा सा वो उसको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता होगा करेक्ट कि अगर सौ रुपये है सपोज हंड्रेड रुपीज़ तो उसमें से कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है समथिंग दे नीड टू इन्वेस्ट इन सपोज गोल्ड हो गया करेक्ट करेक्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स को यू 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 नीड टू अंडरस्टैंड लाइक फर्स्टली तो योर एज एंड योर रिस्क टेकिंग अबिलिटी इट इज़ बेस्ड ऑन दैट नाउ यंगर आपके जो ऑडियंस है मोस्ट ऑफ़ द मा स्टूडेंट ऑडियंस तो दे हैव फर्स्टली दे हैव एज ऑन देयर साइड एंड सेकेंडली दे हैव मोर रिस्क टेकिंग अबिलिटी ऑल्सो तो उनके लिए वन वुड एडवाइज मोर ऑफ इक्विटी दैन दी अदर थिंग्स और अगर आप सर रियल इस्टेट भी देखोगे ट्रेडिशनली स्टॉक मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म है तो ड्यूरिंग कोविड वेन लॉट ऑफ पीपल एग्जाम्पल उनका बिजनेस गोइंग डाउन एंड देश एट दैट टाइम और जब उनका रियल एस्टेट एसिड था तब और वो बेचने गए देवर नो बायर्स री बैडली एंड टाइम देड द पावर ऑफ अ लिक्विड एसिड क्योंकि समझो अगर आपको पांच करोड़ का घर हैल हाउस टूगेदर पर अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो पांच करोड़ का है यू कैन सेल हो मच एव अ मनी यू नीड अगर आपको बीस लाख चाहिए तो बीस लाख तो वो लिक्विडिटी फैक्टर लोगों को तब समझा कि घर तो है मेरा पर वो बिकने नहीं वाला है वेन आई वॉन्ट द मनी सो स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड हेज टू दैट ऑल्सो एंड आई थिंक मेरा हमेशा से एक सजेशन रहा है इनफैक्ट जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इनमिक्स से रिलेटेड तो बनाता ही वीडियोज़ और बट साथ में कभी कभी स्टॉक मार्केट पर भी बनाता हूँ एंड वन थिंग विच आईज ऑलवेज़ मैंशन हमेशा कि भाई देखो आप भारत के अंदर हो इंडिया में अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हो यू आर लूजिंग बिग टाइम आई मीन बाहर देखो बाहर के जो लोग हैं वो एक तरह से तरसते हैं कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करें क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आप कमा बहुत ज्यादा हो इसके अंदर। दिस वॉज ऑलवेज है जो अभी हो रहा है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है अभी ना वी विल इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोबेबली इन आ लाइफ टाइम वी विल नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी एवर जो चाइना ने ग्रो किया

फिर वी वॉन्ट टू बी कार्बन न्यूट्रल इन टू थाउजेंड सेवेंटी तो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग इन आर फेवर एंड दिस अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया प्रजेंट्स राइट नाउ वी विल नॉट गेट टू सी दैट इन आवर लाइफ टाइम अगेन यूर एब्सोलुटली करेक्ट जो आपने बताया सो लेट्स मूव फॉरवर्ड आई थिंक यहाँ पर आई uh, थिंक जो ज़्यादातर ऑडियंस समझना चाहेगी जानना चाहेगी जिनको कुछ नहीं पता सपोज अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते इट्स लाइक एलियन टू देन तो वो क्या करें मतलब हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आई मीन क्या वो पहला स्टेप होना चाहिए और क्या yeah. कोई एक मिनिमम अमाउंट है हमेशा ये लोग सोचते हैं कि लाइक like, कोई एक मिनिमम होना चाहिए दस हज़ार पचास हजार कोई एक सर्टेन भाक है कि वहाँ उनके पास हो तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कैसे स्टार्ट करें इन्वेस्टिंग तो द आइडियल वे आई विल गिव यू सर इन वाटरफॉल मैकेजम ठीक है फाइव स्टेप प्रोसेस आई गिव यू ओके वैन यू स्टार्ट वैन यू एंटर द स्टॉक मार्केट योर फर्स्ट प्रोडक्ट विच यू एंटर विच यू इन्वेस्ट इन शुड बी समथिंग कॉल्ड इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड क्या रहता है वो जो अपना जो स्टॉक uh, मार्केट के कई सारे इंडेक्सेस रहते हैं निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी तो ये इंडेक्स फंड ट्रैक्स दैट इंडेक्स इट मेक्स अप द इंडेक्स इन विद द सेम स्टॉक्स एज द इंडेक्स आर मेड अप एंड अगर तो इंडेक्स तो ऊपर जाते ही रहेगा जस्ट एक क्लैरिफाई कर दूं जो सर ने बात किया निफ्टी सेंसेक्स आई थिंक बार बार आप सुनते रहते होंगे निफ्टी जस्ट लाइक की जो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो टॉप फिफ्टी कंपनीज आप कह लीजिए एंड सेम लाइक सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप थर्टी कंपनीज होती हैं वो चेंज होता रहता है हर सिक्स मंथ पर रिवाइज होता है तो वहाँ पर जो टॉप थर्टी टॉप फिफ्टी कंपनीज हैं उनका ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है एक्चुअली एंड उसका वेटेड इंडेक्स होता है नहीं राइट सर करेक्ट तो वो उसकी बात कर रहे हैं यस सर सो यू शुड बाय द इंडेक्स बेसिकली सो इंडेक्स फंड में क्या होता है पहला तो आपका कॉस्ट बहुत ही कम होता है एंड योर इन्वेस्टमेंट विल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू हाउ द इंडेक्स गोज अप ठीक है तो मतलब आपको यू डोंट नीड टू अप्लाई योर माइंड एनी जस्ट इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड यू यू डोट ईव नीट टू चूज के कौन सा इंडेक्स फंड क्या है जस्ट निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है डट शुड बी योर फर्स्ट थिंग ठीक है देन योर नेक्स्ट स्टेप इज म्यूचुअल फंड अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है विच म्यूचुअल फंड सो दैट इज अप्लाइंग वन डिग्री मोर ऑफ एक्सपर्टीज ओवर देर इंडेक्स फंड में आपको जस्ट यू नीड टू क्लोज यूर आइज एंड एंड इन्वेस्ट ओव देर तो म्यूचुअल फंड इज सेकेंड स्टेप यू चूज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल वॉट हाउ मच रिटर्न यू एक्सपेक्ट ओके सो देन यू चूज अ म्यूचुअल फंड एंड गिव द फंड मैनेजर द योर मनी टू मैनेज दे आर प्रोफेशनल फंड मैनेजर दिस शुड बी स्टेप टू step 3 is nowadays there is a different kind of product it's called ready made portfolios okay mm -hmm. so you have uh, you have different websites where you go to you pick your portfolio according to what you like like example there could be there could be an ai portfolio there could be a green energy portfolio okay on small case platform you have that on another platform also called right you have that okay so that should be your step number 3 Ready-made portfolios are different from mutual funds. They keep you more in the loop, you're more involved. Na in, in those kind of por portfolios, they keep buying and selling stocks according to the latest market conditions. Mm -hmm. And when they buy and sell stocks, also you will get a mandate mm -hmm. in your K. We are going to buy this and sell that stock. Please approve it. Mm -hmm. And they host webinars and you know they teach you, and also you're more involved. That is step number three. Finally, step number four, then after you get the confidence and all along this path, you're supposed to read. Mm -hmm. You're supposed to read and take advantage, I mean, and be curious about it. Okay? And then finally, you p start picking your own stocks. When when you're picking your own stocks also, start with the large cap stocks. Reliance, TCS, Infosys. Why large bigger cap, sir? They, are, they, are much, they are much safer. Much safer. Right? They are much safer. They are much more liquid. They may not give you the same amount of returns. Mm -hmm. And there is much less chance of... Let's say fraud, to put it that way, mm -hmm -hmm. or much less chance of anything going wrong because they've seen many cycles, they've seen boom cycle, bust cycle वगैरह वगैरह, so uh, so then you start with large cap stocks only once you're confident, once you have skin in the game. देखो, mm -hmm. if once once you have skin in the game और जब आपका पैसा है मतलब स्टॉक मार्केट में, तो मतलब आपको खुद से वो थोड़ा बहुत तो क्यूरियोसिटी आएगा ही आएगा और आप रीड करोगे। Now whether how much you read and all that depends on you. गेम देन आफ्टर यू गेट कॉन्फिडेंट विथ लार्ज कैप स्टॉक्स गो टू मोर मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग अबाउट इट इट्स जस्ट लाइक की हम कहते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा चांसेज हैं प्रॉफिट के उतना ज्यादा चांसेस लॉस के हैं सेम लाइक अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर मिस, रिस्क है बट थोड़ा सा कम रिस्क है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप अच्छा जब स्मॉल कैप 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 मिड लार्ज हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे बट लेट मी टेल देम कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है हम उसके टर्म्स में बात करते हैं तो आई थिंक शायद uh, 20, करोड़ से ऊपर की अगर कोई कंपनी होती है फर्स्ट हंड्रेड बिगेस्ट कंपनीज देर इज नो कट ऑफ लिमिट बट अप्रोक्सिमेटली इट वुड बी थाउजेंड कैप वॉटो Sebi says mid cap are those stocks from 101st to 250.

द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कीपेलिंग एवरी वन स्टॉक मार्केट इज मोर ऑफ ऑफ साइकोलॉजी ओके वेयर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस एनी डेट ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव कन्विक्शन इन योर ओन स्टॉक ओके यू नीड टू स्टडी आपको आइडिया जहां से भी मिले आपको आइडिया सोशल मीडिया से भी मिले ठीक है वो आइडिया है फिर आपके ऊपर है आपको रिसर्च करना है और आपको सोशल मीडिया का कोई स्टॉक हम ले सकते हैं लाइक like... ले नहीं सकते इट्स अ गुड इट्स अ गुड प्लेस टू गेट एन आइडिया सो लाइक एम सिंह सो लाइक एम सिंह के स यू गेट अ आइडिया एंड यू रिसर्च बायर से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज फॉर्मिंग योर ओन कन्विक्शन क्योंकि इफ यू बाय अ स्टॉक फ्रॉम योर ओन कन्विक्शन एंड समथिंग नेक्स्ट डे ठीक है समथिंग दट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल लेट से समथिंग समथिंगस ऑन मैक्रो लेवल और वो स्टॉक नीचे जा रहा है अगर आपने खुद का कन्विक्शन से खरीदा हो यू कैन स्लीप वेल एट नाइट बट इफ यू हैव बॉट दैट स्टॉक इवन ऑफ ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन पे और कुछ भी गलत हुआ वो स्टॉक पे ना यू आर गोइंग टू सेल दैट स्टॉक इमीडिएटली आई थिंक ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी रिसेंट आई थिंक शायद जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था करेक्ट यू सी जिस दिन का रिजल्ट आया और जो फॉल हुआ आई थिंक जिन लोगों का जैसा आपने बोला कि नहीं होगा तो आई थिंक बेच कितने कितने बेच, लोग बेच, लोग 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 बेच, बेच दिया होगा उन्होंने कितने लोग बेच दिए मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे बोला कि प्लीज स्टे द कोर्स इट्स ओके दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने सबको मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और मेरा रील भी है इट इज अ बाइंग ऑपरचुनि मैंने खुद खरीदा मैंने अपने मॉम के लिए भी खरीदा वो दिन and since then it's just been up 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 up. but that was a sudden fall because I'll tell you one more thing in bull markets the fall is very sudden. right. it's very sudden and if you can't take a sudden fall थोड़ा मतलब धक धक अगर आप नहीं ले सकते हो तो भाई स्टॉक मार्केट में मत आओ इट्स जस्ट दैट ओनली इट इज एन एक्साइटिंग गेम थोड़ा सा आई थिंक जो पेशेंस वाला चीज है ना वो बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक मैं मेरे केस में तो क्या आता है मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि अगर कोई स्टॉक है कोई शेयर है तो क्या मैं उस कंपनी का एक्चुअल में सामान खरीदूंगा अग। तो अगर the thing which you said कि कन्विक्शन तो

प ओनली स्टॉफ दे गिव दे गुड क्रेडिट दे आर वेरी गुड टू डी विद इज दट टेन एग्जाम्पल पे टी एम तो सब लोग जानते हैं इमेज बॉट एट दई पी ओ टू थाउजेंड टू हंड्रेड इट लिस्टेड ऑन और अभी आई थिंक दो साल तीन साल बाद वो फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड लेवल्स पे है तो इट कैन गो अगेंस्ट यू ऑल्सो इट्स जस्ट यू नीड टू ट्रैक द कंपनी हाउ दे आर डूंगाउ देर परफॉर्मिंग सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक सबके मन में होता है कि चलो ठीक है यार मैंने स्टॉक को देखा कहीं पर देखा उसको थोड़ा रिसर्च किया जाना कि हाँ मेरा कन्विक्शन भी आ गया कि ये अच्छा है अब सपोज ये मैंने बाय कर लिया हंड्रेड स्टॉक या जो भी मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया पाँच हज़ार दस हज़ार तो उसके बाद क्या व्हाट्स नेक्स्ट आई मीन क्या करना चाहिए क्या बैठ जाना चाहिए वो कहते हैं ना कि कई बार सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ चलता है कि अगर आप तीस साल पहले ये वाला शेयर ख़रीदते तो वो एक लाख रुपये आज ये तीन करोड़ रुपये बन गए होते इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो कब तक आदमी पेशेंस रखेगा एंड क्या करना चाहिए स्टॉक ख़रीदने के बाद आई ऑलवेज से दिस ठीक है इन आवर पेरेंट्स जेनरेशन ना लॉर्ड ऑफ पीपल हैव रिच फ्रॉम लैंड ठीक है वो लोग लैंड खरीदे

मिड एंड अ स्मॉलर कैप स्टॉक अ ग्रोइंग स्टॉक अ स्टॉक विच हैज पोटेंशियल टू ग्रो ठीक है यू नीड टू ट्रैक दैट स्टॉक एवरी थ्री मंथ्स वो स्टॉक का रिजल्ट निकलता है, क्वार्टर रिजल्ट, रिजल्ट, यस, क्वार्टरली यू हैव टू रिजल्टी नो दैट अब, अब अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ योर नॉट अ सी ए यू डोट नॉट टू रीड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर भी ठीक है देर आरीज नाउड इज तो देर आर लॉर्ड ऑफ पीपल देर गिव लॉड ऑफ एप्स लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच जस्ट गिव समरीज यू नीड टू नो कि चलो दिस कंपनी इज गोइंग इन द राइट डिरेक्शन ऑन नो की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है मैनेजमेंट हर क्वार्टर में आके बोलता है ठीक है नाउ वी आर सिटिंग एट दिस क्वार्टर वी एक्सपेक्ट सो मच ग्रोथ वी एक्सपेक्ट सो मच प्रॉफिट वी एक्सपेक्ट आर मार्जिन टू बी सो मच तो आपको बस एक ट्रैक करना है कि वेदर इज

दे आर क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वाटर दे आर गोइंग अप एंड अप एंड अपट इन माई ओपिनियन इज एन अमेजिंग स्टॉक टू बाय जो आई टी सी स्टॉक था ठीक है आई टी सी स्टॉक आई थिंक फॉर टेन इयर्स इट आर नॉट डन एनी थी दो सौ के आसपास चल रहा था हाँ दो सौ के आसपास फिर सडनली इन वन ईयर इट बिकेम टू एंड हाफ टाइम्स तो दिस कैच इज अपर रिजल्ट विल ऑलवेज कैच अप टू योर थिंग एंड नाउ डज टू द

Uh, आपके पास सिर्फ दस हजार रुपए और आपको और खर शेयर खरीदने hmm. hmm. तो मतलब खरीद सकते हो बाई पेइंग ऑन स्मॉल इंटरेस्ट ऑन द एप आप ओनली आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है किधर जाने की जरूरत नहीं है योर ओन ऐप इज डबलिंग अप एज अटेक प्लेटफॉर्म ऑल्सो तो बहुत सारे फीचर्स आए दैट्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सम ऑफ द वेज योर ओल्ड वेज ऑल्सो आर गॉन एंड नाउ द टूल डेट वी हैव एट अ डिस्पोजल वी हैव टू स्टे अपडेटेड विद डेट एक पर्टिक्युलर अमाउंट तो है नहीं अगर आप समझो एस आई पी कर रहे हो ठीक है समझो आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप अगर एस आई पी कर रहे हो इवन एन अमाउंट ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज अ मंथ टू स्टार्ट विथ इज गुड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप uh, मतलब ठीक है आज हो सकता है कि आप आप सिर्फ पाँच सौ रुपये इन्वेस्ट करो हो. हो सकता है कि आज आप सिर्फ पाँच सौ लगा रहे हो लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप नेक्स्ट टाइम लगाओ तो एटलीस्ट पाँच सौ या फिर उससे अबव अब आपको लगाना चाहिए वो खुद से आ जाता है सर mm -hmm. वो खुद से ना वो खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वैन यू पुट फॉर फ्यू मंथ्स फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इफ इट्स न्यू टू एनी वन ऑब्बियसली देर इज अ फियर ऑफ एनी थिंग न्यू अन तो वंस यू गेट टू नो वॉट यूर डूइंग अभी फाइव थाउजेंड तो मैंने अमाउंट आपको बोला mm -hmm. ये जो हम लोग ने डिस्कस दिस, किए थे इंडेक्स फंड देर इज समथिंग कॉल्ड एन ई टी एफ ऑल्सो जो इंडेक्स फंड के माफा किया है एंड दैट इज ए निफ्टी फिफ्टी ई टी एफ दैट इज अवेलेबल फॉर समथिंग लाइक टू फिफ्टी रुपीज आप टू फिफ्टी में भी स्टार्ट कर सकते start हो आई एम जस्ट गिविंग यू के फाइव थाउजेंड पर मंथ इज अ गुड अमाउंट और अगर आप लमसम स्टार्ट कर, करने वाले हो समझो अगर आपको आ, हर महीना नहीं आ, इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन लैक शुड बी देर फॉर यू टू सी सम काइंड ऑफ गेम्स फॉर यू टू गेट एक्साइटेड यू नो फॉर यू टू गेट क्यूरियस तो दैट इज़ जस्ट रफ फिगर्स अच्छा जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं आज के डेट में आई थिंक अगर आप देखेंगे तो टेक कंपनीज आ गई हैं बहुत सारे ऐप्स हैं थोड़ा सा स्कैरी भी लगता है अभी रिसेंटली कुछ ऐप्स हैं जहाँ पर पता चलता है कि अचानक से मतलब ब्लैकआउट हो गया मतलब स्क्रीन हैंग हो गया है कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या है मतलब विच ऐप इज़ बेस्ट या All, all is good. Like, क्या क्या चूज करना चाहिए थ्रू हुन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट थ्रू ब्रोकर ठीक है तो जो भी आप पूछ रहे हो तो यू आर आस्किंग मी बेसिकली की विच इज द बेस्ट ब्रोकर अभी ब्रोकर दो टाइप के होते हैं देर आर फुल सर्विस ब्रोकर

फुल सर्विस ब्रोकर में मिलेंगे बिकॉज द फुल सर्विस ब्रोकर ऑफर्स यू मच मोर फीचर्स फुल सर्विस लाइक फॉर एग्जाम्पल शेर खान शेर खान इज फुल सर्विस कोटक सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ये जो बैंक्स हैं उनके अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो दे आर ब्रोकर्स राइट फ्रॉम योर

फुल सर्विस अपना जीरो पास सर्विस और सपोर्ट डिपार्टमेंट तो नहीं है बट दे प्रोवाइड यू अ वेरी गुड एप पर अगर आप पूछ रहे हो विच इज द बेस्ट ऐप तो सर आप ही मेरा होल ऐप ओनली एंड आई टेक हाउ टू इन शेयर वॉट आर द डिट फीच इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ईटीएफ एवरीथिंग फुल वॉक थ्रू अच्छा ठीक है सपोज ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं सो नेक्स्ट आई थिंक बहुत लोग क्यूरियस होते हैं कि आ, अभी प्रेजेंट में सपोज किसी को स्टार्ट करना है इन्वेस्ट करना है थोड़ा बहुत भी तो अभी कौन सा सेक्टर है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बूम कर सकता है चांसेज हैं कि उसमें पैसा अच्छा बनेगा पहला सर मैं आपको बोलता हूँ बिफोर पीपल यूज टू सी द बजट फॉर ओनली वन रीजन ठीक है कि टैक्स कितना कटेगा ओनली दैट <laughs> ठीक है टूडे वी लिव इन आवर गवर्नमेंट इज सो पावरफुल आवर गवर्नमेंट इज ओनली लाइक नो व्हाट आई मीन मोदी जी एक सेक्टर के बारे में बोलेंगे नेक्स्ट डे ऑल द्वारा देखो ना वो जो लक्षदीप जो गए थे मोदी जी हाँ वो कौन साज माई ट्रिप वो छोटे छोटे स्टॉक्स भी है एक प्रवेग था जो ट्रेवल स्टॉक माई गॉड इ all the travel stocks yeah. so uh, so now in today's day and age it's actually very simple choosing the sector yeah. just invest in that sector where the government is giving most bow to right, right now which sector is the government giving most bau to renewable energy we have made promises all over Mo modi ji has gone and said by 2030 we will have 500 gigawatts of renewable energy by 2000 uh, बाई टू थाउजेंड सेवेंटी इंडिया वॉन्ट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल तो वी हैव टू मूव इन दैट डिरेक्शन रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑब्वियस देन अपना एक और सेक्टर जो है रेलवेज विच गवर्नमेंट इज रियरली इन्वेस्टिंग बिग टाइम देन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये काफी सारे सेक्टर्स है एंड द इजीएस्ट थिंग इज नई ऑल्सो डिस्कस इन माई कोर्स राइट बिफोर इलेक्शन बहुत पार्टीज ंग्रेस एंड बीजेपी द कांग्रेस साइड एंड द बीजेपी साइड दे कमआउट विद समथिंग कॉल्ड इलेक्शन मैनीफेस्टो इलेक्शन मैनिफेस्टो हम हमको ये कहता है कि गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले पांच साल के लिए एक जो बहुत वैलिड क्वेश्चन आए बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि चलो ठीक है अभी हम डिस्कस तो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट और आप uh, लोग इंकरेज भी होते हैं कि ठीक है इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा ग्रो करना चाहिए पैसे से ही पैसे बनता है हम कहते हैं ना तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये शायद राइट right टाइम ना हो लोगों के मन में डर है कि जिस तरह से अभी भूम आया जिस तरह से हमारा इंडेक्स भागा है निफ्टी आप ले लीजिए सेंसेक्स ले लीजिए ऑल टाइम हाई पर है हम इस समय तो क्या कुछ बबल है कि कुछ हो सकता है ऐसा कुछ ऐसा डर होना चाहिए या फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड क्या है सी बबल तब होगा जब वेन वी आर जस्ट बाइंग स्टॉक्स फॉर नो रीजन बट वाई आर पीपल बाइंग स्टॉक्स इन इंडिया टूडे क्योंकि ये जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट आर ऑल्सो गोइंग अप तो इफ योर प्रॉफिट अप एंड पीपल आर बाइंग मोर स्टॉक्स तो आपका वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है इवन इन टूडेज डेज इंडिया का स्टॉक मार्केट इज ओनली स्लाइटली ओवर वैल्यूड स्लाइटली ओवर वैल्यूड इज यू कैन एंट्रीब्यूट के दैट स्लाइट ओवर वैल्यूएशन इज द प्रीमियम वी विल एट्रीब्यूट टू इंडिया राइट बिकॉज ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल तो अपना मार्केट्स इज एंड अर्निंग्स ड्रिव इन मार्केट विच इज़ अ गुड थिंग तो बबल अपने मार्केट में नहीं है थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है हो सकता है बट इफ यू वेट एक बहुत अच्छा कोट है बाई पीटल लिंच ही इज पॉसिबली द मोस्ट फेमस फंड मैनेजर ऑफ ऑल टाइम और उनका एक बुक भी है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट विच इज एंड एप्सोल्यूट मस्ट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स तो वो कहते हैं कि मोर मनी है इफ यू आर सिटिंग ऑन आउटसाइड ऑन कैश यू मे लूज आउट इवन इन फैक्ट मैंने ये सेम चीज अपनी रील में भी बोला हूं लास्ट वीक वेन आफ्टर द आफ्टर द इलेक्शन जो क्रैश हुआ और फिर ऊपर 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 इट केप्टऑन गोइंग Then last week, people were saying that it's very overvalued. This, that. Many, in fact, real pay, real pay, I had said that okay, if you're sitting on cash, don't always remain fully invested. Even if there is slight dip, go through it. And the market has gone up only. I think it's very be. important uh, this is, and uh, see. Uh, यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि अभी रिसेंट मेमोरी मेमोरी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों को वो कोविड का समय याद आता है सो दैट वाज वन ऑफ द मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हमारी शायद एक दो जनरेशन ने कभी किया ही नहीं था जो कोविड का एक्सपीरियंस है एंड दैट्स वाई वो लोअर सर्किट हमें दिखा था उस दिन जब लगातार मार्केट गिर रहे थे तो उस तरह का मार्केट गिरना वो तो कभी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है आई थिंक वो कुछ ऐसा ही होगा जो किसी को कुछ पता ही नहीं है तो उसके बेसिस पर हम वेट नहीं कर सकते कि कुछ करेक्शन आएगा कुछ बबल हो गया आई थिंक करेक्शन तो आते ही रहते हैं थोड़े बहुत आ जाएंगे तो कोई बात नहीं जैसा कि आपने बिगनिंग में भी बताया कि अगर आपका कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर कि अगर ये स्टॉक आज नहीं तो कल चलेगा तो आई थिंक कभी भी कोई राइट right टाइम नहीं होता है स्टॉक इन्वेस्ट करने का राइट right. करेक्ट तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वीडियो के एंड में बस एक बार हम कोर्स के बारे में सर बता देते हैं अपने ऑडियंस को कि क्या क्या आप कराने वाले हो सर एक बार प्लीज़ तो एक्चुअली ये कोर्स में ऑल द वे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल द वे वॉट बिगिनर्स नीट मतलब do. किसी को अगर कुछ भी नहीं आता वॉट इज अ स्टॉक वॉट इज अ शेयर हम लोग वहां से शुरू किए हैं किएकेफिनेशन वॉट इज अ स्टॉक मार्केट तो वहां से शुरू किए स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर पहला हम लोग ने समझे देन वी अंडरस्टूड ऑल द डिफरेंट प्लेयर्स ऑपरेट द स्टॉक मतलब यू हैव डिफरेंट ब्रोकर यू हैव लिस्टेड कंपनीज यू हैव से बी तो हम लोग सब वहाँ से स्टार्ट किए हैं देन वी गो ऑन फर्दर वेर आई टीच टेम के सी दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग एप फॉर यू एंड दिस इज़ हाउ यू यूज द ऐप आप अगर शेयर्स खरीदना चाहते हो तो ऐसा खरीदना है ऐसा बेचना है ये सब ऐप के फीचर्स है तो वहाँ से हम लोग शुरू किए दैन वी गो ऑन टू द पार्ट वेर आई टीच टेम हाउ टू पिक स्टॉक्स मतलब वहाँ भी एब्सोल्यूट बेसिक्स मैं मैं फर्स्ट आई टीच देम के दिस इज हाउ यर सपोट टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं आई इंट्रोड्यूस दू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंसट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है आपको ये सब चीजें फर्स्ट सिलेक्ट स्टॉक्सो फंडामेंटलिसिस भी कवर किया हूँ टेक्निकलिस चार्टैरा भी कवर किया हूँ आई एव कवर्ड ऑल द लेटेस्ट ए आई टूल्स बिकॉज मैं काफी सारा आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद

Let's say uh, mutual funds or any of these big fund houses, also, institutions, also. डोंट हैव एनी एडवांटेज ओवर रिटेल इन्वेस्टर्स क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स दे हैव सो मेनी टूल्स एट देयर डिस्पोजल आपको नाइंटीज में या अर्ली टू थाउजेंड में एज अ रिटेल इन्वेस्टर मी एंड हैव ऑल दीज टूल्स वी हैव टू वेट फॉर द कंपनी टू डिक्लेयर वंस इन थ्री मंथस रिजल्ट एंड वस अर डे डिक्लेयर दिय बैलेंस शीट देन गो फिजिकली रीट द बैलेंस शीट अब भी फटाफट फत जो भी होता है आपके सामने आता है इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आई वुड से इन्वेस्टर्स टूडेव मोर ऑफ एन एडवांटेज इन दिस

आई थिंक think... मेरे पास एक क्वायरी हमेशा आती है रिगार्डिंग द कैंडल स्टिक्स वगैरह वो आप कराओगे हाँ हाँ वो सब भी हो, yes, है, yes, yes. Okay, I, में भी हो रहा है कैंडल स्टिक्स में भी बेसिकली कहने का मतलब है कि एकदम बेसिक से लेकर आपको कुछ नहीं आता है यू कैन टेक दिस कोर्स और आप काफ़ी कुछ सीख पाओगे स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को uh, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है ना आज के जो यंग जनरेशन है दिमाग में वो चलता है कि क्विक मनी कैसे बनाना है प्लीज मतलब फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ दी ओनली थिंग गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म तो प्लीज़ आप उसके ऊपर करिए एंड जो कोर्स है वो वन ईयर का वैलिडिटी होगा कोर्स का तो so, कोर्स का जो लिंक uh, है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एंड रिमेंबर चेकआउट के समय uh, जो डिस्काउंट है वो लेने के लिए कोड आप यूज़ कर सकते हैं लाइक like, अंकित लाइव ए एन के आई टी एल आई वी सो उसको आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे कम दाम पर इस कोर्स को आप ले पाएंगे सो आई थिंक काफ़ी मदद हुआ होगा हमारे ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के थ्रू सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर थैंक यू Mm-hmm. <laughs>